लहर म्यूजिक वर्ल्ड बड़े भैया अजय जी के प्रस्तुति में हम गायक राजेश कुमार तूफानी एवं साथी आप सबके बीच में एक बिरहा प्रस्तुत है। गीत के शीर्षक होगा श्री कृष्ण लीला माखन चोरी। एक बार राधा रानी सखी से कहने लगी जहार, हे मोरे बहिनी हे मोरे दीदी बतिया सुन ला तनी हमार। बाबूजी एक बार राधिका अपने सखियों के साथ में वृंदावन में आज तमाम सखियां इकट्ठा हो गई। ललिता रंभा विशाखा मैनका जितनी सखियां हैं बाबूजी आज सब सखियां राधिका के साथ में इकट्ठा हैं। इसी के बीच राधिका जी बोल पड़ी कि दीदी ललिता से कहती हैं कवि जी एक तर्ज लिखे मास्टर कहना बा दुलही रहे बीमार दुलही रहे बीमार निरहुआ सता जहल तो भाव रहा बाबू जी। इसी बोल में कहना बात कवि जी लिखते हैं बिरहा में राधिका जी सखियों से कहती हैं कि दीदी कन्हैया के हमार तनी हाल सुन लिया कि हमारे साथ कन्हैया का करत सखिया मदन मुरार सखिया मदन मुरार डगरिया 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 छेला सखिया मदन मुरार डगरिया बहुत अच्छे ललिता बोली कि हे दीदी राधा आप अगर कन्हैया कितना प्यार न करें तो कन्हैया आपके कुछ न बोले। राधा बोली कि दीदी इतने नहीं आओ सुना हम बतावत ही कह बोला खाए घरों में माखन चोराई बहुत परेशान करत है कहे कैसे तोड़ा मटकी हमार तोड़ा मटकी हमार डगरिया 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 डगरिया।
जी, राधिका जब सखियों से बोली, सखियों बोली कि दीदी कन्हैया के तुम इतना प्यार ना करा तो कन्हैया तो के कुछ न बोले। कहे ये बात, कहे हाँ दी। बाबूजी यहां कन्हैया के बात सुने। कन्हैया वृंदावन में गौए चरावे गए हैं बाबूजी, इसी मौके पे आज उनके सभी सखा इकट्ठा हो गए। अरे वाह, अब बड़ी खुशी की बात यह है बाबूजी कि बड़े मौके पे आज सिरधामा भैया आ गए। सिरधामा भैया बाबूजी बलराम जी के नाम था, जेके बलदाऊ कहते। बड़े मौके पे आज बलदाऊ भैया आ गए और इसी के बीच कन्हैया जी बोल पड़े, कहना बार तेरी में भाव मास्टर, चला अब माखन चोरी के चली, कान्हा सिरधामा से कहल लगा कर चोरी, चला अब माखन चोरी। सिरधामा से कहते हैं कि भैया हमार बात सुना, कहे बोला चौकड़ा में कहे कन्हैया बड़का भैया मान बीरन बात हमार भला माना। माखन खाई के मन मोर चाहत इच्छा पूरी करा हमार भलाई। सिरधामा कहे हम ना जाबई, सिरधामा कहे हम ना जाबई, कान्हा बाजा बहुत लपा। बोलेगी भैया हमारी इच्छा माखन खाई के कहत बा, आप अगर बरसाने चला चलते तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है? कन्हैया के बात सुन के सिरधामा कहे है कन्हैया हम बरसाने न जा। अरे वाह। कन्हैया कहे भैया आखिर बात का बा कि आप बरसाने नहीं जाएंगे। सिरधामा बोले कि कन्हैया हम बरसाने चला, हम बरसाने चलब, लेकिन तोसे बड़ा हुई कि हम तोहार झूठ खा। कन्हैया सिरधामा की पैर पकड़ के कहते हैं कि भैया तोहरे बरे कचरी निकाल ले तो माखन हम खा। और सब सका प्रसन्न हो गए, बरसाने की ओर चल दिए बाबू।
तो कहना बाकी इसी मौके पर भगवान प्रसन्न हो गए। एक तर्ज कवि जी लिखे इस विरहा में, मनव मत सोच मनव मत सोच सवारी हो बनवारी बजावे बात सुन के सिरधामा भैया मुस्कुरा दिए बाबूजी। अब कहना बाकी सब सिखा बरसाने को प्रस्तुति करते हैं। सब सखा कई दिहले होता यारी सखा को और बलदाऊ भैया को बरसाने लेकर पहुंच गए राधा जी के दरवाजे पर। कन्हैया देखते हैं बाबूजी की राधा के बखरी में ताला लगल बा और हाथ जोड़ के सिधामा भैया से बोले कि भैया आप अगर इतनी देरी चरौरी ने करवाए होते सारा काम बेकार हो। इतने में बाबूजी एक सखा घूमत घूमत राधा के बखरी पिछुआरेगा। वो देखता है कि राधा के बखरी में एक खिड़की है। आके कन्हैया से बताए। कन्हैया बोले ठीक बा, अगर हमारे बड़का भैया सिधामा चाहिए तो सारा काम बन जाए। अरे वाह, सिधामा इतनी बतिया सुनते बिगड़ गए बाबूजी। कहते हैं कन्हैया, कन्हैया आप कहें हम बरसाने चलाए, अब हमारी जरूरत का बा। कन्हैया फिर हथुआ जोड़ के भैया के पैर पकड़ के कहे कि भैया देखे में आप मोट टाट हैं, कहे तो फिर कहे यह दवलिया पकड़ के निहूर जाता तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सब ऊपर हम चला जाए। तब तो इतनी बतिया सुने तो सिरधामा एकदम क्रोध में बिगड़ गए। बोले है कन्हैया निहुरे के हम निहुर जाई, आप सबसे ऊपर जाई के माखन जुठार दे। कन्हैया कहे भैया यशोदा माई के सौगंध खाए आप कुछ तो विश्वास करें। आ इतनी बतिया कन्हैया की सुने तो सिरधामा दीवाल पकड़ के निहुर गए बाबूजी। तो कहना बा एक ऊपर एक सब कैले चढ़ाई कहा रमे
सिरधामा दीवाल पकड़ के निहुर गए, एक ऊपर एक की ऊपर सब चढ़ सखा चढ़ने लगे बाबा, सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया जब कचहरी दही माखन के पास पहुंचते हैं बाबूजी, कचहरी पकड़ के जैसे ढक्कन खोला थे कि माखन के महक से भगवान के मुंह में पानी आ गया, भगवान के मुंह में पानी आ गया। जब कन्हैया महक देख सुनते हैं बाबूजी, महक जब मिलती है तो कहते हैं इतना बढ़िया माखन हमने खाई। कन्हैया से रहाइश नहीं हुई मेरे दोस्तों, माखन के अंदर हाथ डाल दिए। जब कचरी के अंदर से माखन कन्हैया निकालते हैं तो मोटा वाला माल हाथ में, लेकिन पतला माल टपक के सीधा जाए के सखा के पिठासा। अरे वाह! जब सखा के पिठासा पड़ा बाबूजी, जब वो देखता है, कहा ये तो माखन है, आवाज दिया, बोला हे कन्हैया। कन्हैया देखते हैं कहते चुप, ताऊ के देता ही। जब कन्हैया बाबूजी वहां से माखन निकाले, जब सखा को दिए, तो वहां से टपका तो सीधा जाए के सिरधामा के पिठासा पड़ा। सिरधामा जब देखते हैं, कहे तो माखन है, कहे बारे कन्हैया। सिरधामा की हंसी आ गई बाबूजी, लेकिन सिरधामा करते क्या हैं, बोले कि ठीक बा कन्हैया, आप जैसे हमारे साथे चाल करें, अब हम आपके साथे चाल करब, अब समरे हमारे बस के। अब सिरधामा भैया कन्हैया के साथ में चाल कैसे करे थे बाबूजी, एक तर्ज कवि जी लिख दिए, तर्जवा भोजपुरी बा, कि एक घर में दुई प्राणी रहे और एक दिन उसका पति बाजार जाए लाग, तो दुलहिनिया पैसा दे अपने पति के, कहा हे कहें का कहें हना पैसा ले लिया हमारे बेरे एक दीरा पान लग, और मर्द बेचारा पैसा लिया बाजार गया, कुछ संगी साथी मिल गए, बोलत बतलात गा भूला, समय बीत गया, समय बीत गया बाबूजी, भुलाई गए कि हमारे दुल्हन हमसे कुछ कहे बा, कुछ मंगाए बा, और करत का कि पान के बजाय लौटानी चूना लेके आए, भूल गए। अब घर पहुंचा, जब अपने औरत को देता है तो पान के बजाय वो लौटानी चूना लेके आए, हाथ में चूना थमावत है। अब दुल्हनिया देखते जर के बाबू एकदम क्रोध मा, तो कहना बा मांगे गोरी पनावा, मारा दिहिले से कान काटिया भला मुआ के मार दिहिले से, एक राह पर दुल्हनिया मर्दवा के गलवा पे लहाउबत, ओकर दुल्हन ओकर महतारी देखत रहा, कहा हे दुल्हन तुहार सब सहूर अच्छा बा, एक कै सहूर गड़बड़ जाऊं तू हमरे बेटवा का चाटा मार दी। दुल्हनिया कहा हे बूढ़ा, अगर तोहरो बुढ़ाई दाओ हड्डी टुटुवैया होए तो हमका बता दू। युवा कहा अरे बाप रे, कहा है मारी ला तू मारी ला, तोहाए का बिगाड़ी ला साजिला, अरे साजिला दिन रातिया पलमुआ पे साजिला, ¡Gracias!
इसी भाव में कहना है कि सिरधामा जी कन्हैया के साथ भी चाल कैसे करे थे बाबू जी, कहना बा। बोले सिरधामा कान्हा से सरकाई दिहिले सिरधाम कमर लचकाई दिहिले लचका दिया सिरधामा कमर बाबू जी, जितने सखा थे सब एक के ऊपर एक तरपर हो गए। हाँ टूट गया पैर टूट गया, निकुरा भरता हो गए, खून चुए लगा। कहा गया है कि बाहो मुरली मनोहर, ये नारायण के अवतार धरती पर जन्म लेकर बाबू जी कैसी ध्रुव लीला दिखाएं। कहना बा लागल बड़ी जोर से झटका, लागल बड़ी जोर से झटका, कन्हैया शिकार पकड़ के लटका, चला अब माखन चोरी के चली, चला अब माखन चोरी के चली, बड़ी कमजोर बताबले टूट गई सितहर गोली, चला जब माखन चोरी के चली, कन्हैया इकहार शिकार ले के राधा के अंगनम गिरे बाबू जी, शिकार की रस्सी टूट गई। कन्हैया जब राधिका के आंगन में गिरते हैं तो आवाज पड़ी अपने सखियों के साथ में कमरे के अंदर, राधिका जी सो रही बाबू जी। जब आवाज कानों तले गई तो राधिका की नींद खुल गई, उठ के बैठ गई अपनी सखियों को जगावत कि हे दीदी दीदी ए ललिता रंभा। सभी सखियों को राधा जगाती हैं और इतने में हकबकाई के ललिता उठ के बैठी, कहीं कावा थी दीदी, अरे कहीं पगलाऊ तू सोवा था घर में बिला राय बा, शिकार दही माखन तोड़ की गिरा दे है। जब ललिता राधा के बात सुनती है बाबूजी, एक दिया चिमनी लेके हाथ में लुपुर लुपुर जलत रहा, जब देखती है तो कन्हैया ही जोर पाए तो खटिया के नीचे भगे बाबू। ललिता हंस पड़ी की बारे कन्हैया, माँ यशोदा कहती कि हमार कन्हैया चोर नहीं, बहुत यादार बा कन्हैया। कहना है बाबू जी, वही से ललिता आवाज भी बोली है दीदी चोर बिलार नहीं बड़का बिलार आई बा गोकुल से। कहे बात कहे दीदी अभी तो काफी रात है, कहे तो फिर कहे ठीक बा कन्हैया की नीमी के प्रलम बांध दिया, एके हम सुबह लेके चलब। माँ यशोदा कहत कि हमारा बेटवा चोर नहीं ना, लेकिन आज प्रत्यक्ष पकड़ा दे कि तुहार चोर बन। ललिता रंभा विशाखा मैनका बाबू जी सभी सखिया आज कन्हैया के तन लगी नीमी के पेड़े में बांधे थे। कवि जी एक भाव लिखे हमरे स्वर्गीय भुल्लर दादा जी के, कहना बा हरे राम अब ना मिली, हाय अब ना मिली, अरे अब ना मिली हो बबुआ, बना मिली हो भाई वाई, अब ना मिली
नेनुआ के तारा कारिया बना मिली हो इसी भाव में कहना बाबा बुद्ध आज बरसाने में सभी सखियां मिलके बाबूजी भगवान के तन नेमी के पेड़ में बांधे थे बाबूजी बार नारायण जी अवतार लिए धरणी पर द्वापर में बाबूजी कैसी ध्रुव लीला दिखाए ऐसी लीला दिखाए बाबूजी कि आज सभी सखियां भाव विभोर होकर मीनी की पेड़े में कन्हैया के तन बांध तो कहना बा अरे घाटी गईली रहा अरे घाटी गईली राम यही हो घाटी गईली राम बारह साल वही कैला से घाटी गईली राम भगवान की लीला बाबूजी पूरे परसाने की रस्सी आज कन्हैया के तन नेमी के पेड़ में नहीं बांध पाए बाबूजी घट गई रसरी सब सखी बांध लागिन कान्हा के तानावा सब सखी अशोक लाला नामवा हरे मनवा हरे मनवा म सोच बारह सना के गुजारी घाटी गैलिया अरे जिया बहादुर बहुत अच्छे अरे सारे प्यागरा परसाने की रस्सी घड़ गए बाबूजी आज जितनी रस्सी बंधी थी कन्हैया एक झटका लगा दिए बाबूजी रस्सी सब टूट गई ललिता बोली कि दीदी कन्हैया इतना जायदार कहे है दीदी दीदी कहीं का बात कहीं कन्हैया का बल चला इसी वक्त लेकर चलो कहीं पगली अभी काफी रात बा कैसे कन्हैया को ले चलोगी क्या है दीदी ललिता बोली कि हम तो हैं जतन बतावते कहीं बोला कहीं सुना तर्ज लगा बा कहना बा कभी जी एक तर्ज लिखे मास्टर नई झूलनी के नई झूलनी के छहिया बलम दुपा हरिया छहला हो Yeah.
तो भाव रहा बाबूजी, लेकिन बिरहा में कवि जी लिखते हैं, कान्हा के राधा बहिनिया तानी चुनारी तारा छिपाइला हो, सभी सखिया खड़ी हैं बाबूजी। ललिता बोल पड़ी राधा से, और इसी के बीच राधिका इशारा करे थी कन्हैया के, बोली है कन्हैया यहाँ रावा। राधा के पास कन्हैया गए, कन्हैया राधा कन्हैया के मूड़ी चुनरी में पकड़ के लपेट रही बाबू जी, धोतिया के नीचे कान्हा लूटता लहरावा, धोतिया के सखी जाके पहुंची जमुना की नरावा, सबा सखी लागल जमुना जी के पनिया बहिना चुनारी तारथी पाला हो, सब सखी बाबूजी राधा कन्हैया के मूड़ी चुनरी में पकड़ के लपेटे बाबूजी, सब सखिया प्रस्थान कर दी, प्रस्थान के गोकुल की ओर सभी सखिया जाती है। जमुना जी के किनारे पहुंच गई सब सखिया, तो कहना बा मास्टर की एक घटना घट गई रही हो, घटना वो घटी की भरोवे में वासुदेव जी जमुना जी में स्नान करे आए हैं, जैसे निकुरा कान दबा के डुबकी लगाए कि चुनरी की तरह कन्हैया से टकराइए, और कन्हैया इस उसी वक्त चुनरी की तरह से गायब, और चुनरिया में बास देव जी की लपेट दे, और इसी के बीच सब सखी जमुना जी में हिल गए बाबूजी, कूद गई, और राधा सोचत कि कन्हैया चुनरी की तरह बा। सब सखी जमुना पार करके जब माँ यशोदा के दरवाजे पहुंचती हैं, तो आज सभी सखिया एकदम क्रोध में हैं बाबूजी, आवाज देती हैं, बोलिए माँ, अरे वो यशोदा माँ, महल सुनकर यशोदा माँ बोली, क्या बात है भाई, आप लोग सुबह सुबह हल्ला मचाए हैं। ललिता इतनी बतिये सुनते थिरी के नाच गए बाबूजी, कहीं माँ तुहार कन्हैया चोर नहीं बहुते आई दर बा, आई इतने में भी शाखा बोली कि हे माँ तुहार कन्हैया चोर बा, आज प्रत्यक्ष पकड़ा दे। अब माँ यशोदा खड़ी की खड़ी बाबूजी सखिया की बात सुन, और ललिता थ्री के नाच गए तो कहा धिका, कभी भी भाव लिखे ब्याह में, मैया कन्हैया तोर डंगा लो बिफोर माँ के तही, कहे हो माँ, ओ माँ बात कहूँ मैं सही सही, मैया कन्हैया तोर डंगा लो बिफोर माँ के तही, माँ आपके कन्हैया चोर नहीं बहुत आबदार बा। यशोदा माँ बोली कि ठीक बा, कहा है बेटे मेरे पास आओ, आओ सभी सखियों को बुलाती है माँ यशोदा, माँ की ममता कितनी कोमल है बाबूजी, सखिया क्रोध में है फिर भी माँ
यशोदा सखियों को बड़े प्यार से बुलाते हैं, बाबा आओ बेटी मेरे पास आओ। इतने में कन्हैया घर से माखन रोटी खात निकला हुआ थे, कहें क्या बात है माँ, ए लोग सुबह सुबह हल्ला मचाए हैं। यशोदा माँ बोली कि बेटवा है आप, कहे हैं आप हमारे माखन रोटी खाते ही माँ। तो राधा सोचे थी कि बाबू जी कन्हैया है या बात चुनरिया के निचवा कौन कन्हैया बा। सभी सखिया के मुंह बंद, बाबू जी मुंह बाए के बाए माछी आवत जा कि अरे बाबा। तो धोती धोती तरे कदे खाभे निकले वो हो मां से बस दे। कन्हैया के बजाय चुनरी की तरह से वासुदेव जी निकलत हैं बाबूजी। बाबा आढ़ी डाढ़ी माखन चपोड़े हैं। यशोदा माँ बोली कि राधा एक कौन है जिसको आप चुनरी के नीचे छिपा के लाई हो। सखिया की बोली बंद बाबूजी। कन्हैया कहे हैं माँ चोरी करें बाबू नाम लागे हमारे, अब माखन चुरा चुरा खाए बाबू पकड़ा जाए हम। कहे माँ ये जितनी सखियां हैं बहुत याददारी है। या सो मत कहिन की राधा ठान खिसनी पोरी चला अब माखन चोरी के चली। कन्हैया बोले कि माँ जितनी सखियां हैं बहुत आयदार है। कहें बिटवा हमारी बात सुना, कैसे सखियां आयदार हैं। कहें माँ सुना हम बतावत ही कहना बा कवि जी भी राह में भाव लिखे। कहें हे माँ हरे राम बीरज कई गुजरी। कहे माँ अरे बीरज कई गुजरी तजूल मकाई दयाली निराहा नावा बीरज कई गुजरी। इतने नहीं और सुना जब हम जाई मैया गैया चरावई। जब हम जाई मैया गैया चरावई। राधा रानी हम काया पंजूला बनावे। कन्हैया कहे माँ ये जितनी सखियां हैं मैं बहुत परेशान कर रही थी माँ, अगर इनके बात न मानी माई तो गाले पे छिटकना मारे माँ। राधिका यशोदा माँ हंस के बोली कि हे बेटवा कन्हैया हमरे पास आवा। कहीं का बात है माँ। कहे बेटा राधिका के साथ हमें शादी कर लिया राधा जी घर में आवे हमहू की कुछ आराम मिले। बाबा आ इतनी बतिया सुनते कन्हैया कहे हे माँ ना माँ न कहे माँ हम राधा के साथ में शादी न करब कहीं काहे। बाबा
कहन माई हमार बात सुन ला कि हमरे बरे हमार दुल्हन कैसे हो के चाहिए। बिरहा के आखिरी भाव बाबू जी स्वर्गीय हमारे गुरु जी की ये आखिरी तर्ज है बाबू जी कहना बा आज कन्हैया अपने माँ यशोदा जी से कहते हैं कि माँ तेरी कसम मान ना जाओ बरसाने माँ ऐसी दुल्हन ढूंढ लतू अहिरा बोले कि माँ हमरे लिए हमार दुल्हन कैसे हो चाहिए। आज अपने माँ से कन्हैया उपमा बताते हैं अपने दुल्हन का। ना ही ज्यादा गोरी रहा, ना ही ज्यादा मोटी रहा, ना ही ज्यादा छोटी रहा, ना ही ज्यादा गोरी, ना ही ज्यादा पतरी, ना ही ज्यादा छोटी रहा, ना ही ज्यादा मोटी रहा, ना ही ज्यादा बड़ी रहा, ना ही ज्यादा पतली, ऐसी होनी चाहिए माँ। और सखियां जितनी खड़ी हैं मुंह बाए के बाएं हैं, और राधा के क्रोध चढ़त है बाबूजी। तो फिर कन्हैया कहते हैं कि माँ आओ सुना, काले काले बाल रहा है, काली काली आंख रहा है, काली काली भांव रहा है, काली रहा है पुतारी, भैया जी मां से अपने कहते हैं कि मां काले बाल होने चाहिए, अब काली आंख, काली भौं रहा, काली रहा पुतरी, क्योंकि संसार में देखा गया है दोस्त कोई सी भी बच्ची का, कोई सी भी बच्चा का भौं भूहर भी हो जाती है, आंख भी भूहर हो जाती है। इसीलिए कन्हैया अपने माँ से कहते हैं कि माँ काले काले बाल रहा, काली काली आंख रहा, काली काली भौहों रहा, काली रहा पुतरी,
ऐसी दुल्हन ढूंढल तू अहिराल यशोदा हंस पड़ी कि बारे कन्हैया अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया बाबूजी। तमाम सखिया मैनका रंभा विशाखा राधा आज कन्हैया के बात पे हंसने लगी बाबूजी। कन्हैया अपनी बाल लीला दिखाए कहना बा गुर भुल्लर गुर राम आधार गईले स्वर्ग सिधारी अरे स्वर्ग में है दरई अली हसते कहाँ बाहो मदन मुरारी जलायब माखन चोरी के चली अरे गाँव तूफानी राजेश टहरी टहरी चारू ओरी जलायब माखन चोरी के भारती मेरे देश की लड़की